हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ड्राइव ऑटो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज प्रमोद एंड वी आर इनटू सीएनजी बिजनेस सिंस 2011। तो दोस्तों आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है हुंडई की एक्सेंट कार है और 2017 का मॉडल है। तो इस गाड़ी के अंदर हमने ऑलमोस्ट 3 साल पहले किट लगाई थी और उस टाइम पर गाड़ी की रनिंग थी मात्र 10 से 12 हज़ार किलोमीटर। और ये गाड़ी 3 साल के बाद आज हमारे पास ये फर्स्ट टाइम आई है। इसमें ये गाड़ी चल चुकी है 60,000 किलोमीटर। आज इसमें एक प्रॉब्लम आई है छोटी सी, वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं शेयर करूँगा आपको और गाड़ी की परफॉर्मेंस, गाड़ी का फीडबैक जो इस कार के ओनर हैं उनसे लेके पूछेंगे कि क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कंपनी से भी किट लग के आती है और बाहर से भी फिटमेंट होती है। और ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, इस गाड़ी के अंदर हमने किसी भी तरह का कोई एडवांसर यूज़ नहीं किया था। और आज ये गाड़ी हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो है आपका एक सेंसेटा यानी कि रेल सेंसर जिसकी वजह से आई है। तो इस गाड़ी के अंदर जो ब्रांड हमने चूज़ किया था वो था BRC GFI। और BRC अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है हुंडई की गाड़ियों के अंदर, खासकर एक्सेंट, ग्रैंड राइटन। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो पार्ट हमने चेंज किया है ये है आपका रेल सेंसर। ये ख़राब होने से क्या होता है कि गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब सीएनजी के साथ साथ पेट्रोल भी जाता है। ये जो सेंसर होता है ये सिर्फ आपका BRC टोमेस्टोरेंटीना या फिर आपका रबोली में यूज़ होता है, किसी और किट में यूज़ नहीं होता है। तो आप मेरी वीडियो देखे कन्फ्यूज़ ना हो कि अगर आपकी गाड़ी में सेम प्रॉब्लम आ रही है तो ये रेल सेंसर की ही प्रॉब्लम होगी। ये सिर्फ स्पेसिफिकली BRC टोमेस्टोरेंटीना या फिर आपका रबोली में होती है। इसका बूट स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ, कितने किलो का सिलेंडर लगाया है अंदर। इस गाड़ी के अंदर जो सिलेंडर लगाया था वो 12 किलो का सिलेंडर लगाया था और 12 किलो का सिलेंडर लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाता है इस गाड़ी के अंदर। और मैं आपको एक बार डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ कि डैशबोर्ड में ये गाड़ी जो है कितनी चल चुकी है। गाड़ी जो है वो आपका 59,000 किलोमीटर चल चुकी है और जब हमने CNG लगाई थी तो उस टाइम पर ये 12,000 किलोमीटर थी। तो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है। गाड़ी में किसी भी तरह का कोई चेक इंजन निशान नहीं है। स्विच की तरफ देखते हैं तो इसका मतलब ये है, ये टोमेस्टो अर्जेंटीना का स्विच लगा हुआ है इसके अंदर, TA के नाम से आता है। गाड़ी गैस पर कन्वर्ट हो चुकी है, गाड़ी में गैस थोड़ी कम है तो इसलिए एक आपका ग्रीन कलर का जो दिखा रहा है इसमें लाइट वो एक दिखा रहा है इसके अंदर। और इस कार के जो ओनर हैं वो भी हमारे पास आए हुए हैं और उनसे भी पूछेंगे कि जो इस कार का जो फीडबैक रहा है वो कैसा रहा है। सर इजी ड्राइव में आपका स्वागत है। तो आपने 3 साल पहले इस गाड़ी में किट लगाई थी, क्या फीडबैक रहा है गाड़ी का, कैसी परफॉर्मेंस आई है 3 साल में, कितनी बार आपने विजिट किया है यहाँ पर? मतलब तो बहुत ही अच्छा रहा है इसका। एक्चुअली मैं रेगुलर इसको ड्राइव करता हूँ, ऑफिस जाना आना होता है, लगभग 40 किलोमीटर तो डेली चलानी होती है गाड़ी। अच्छा, पहले पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता था इसमें, 2-3 बार भराना पड़ता था महीने में हमको। अब तो ये है कि शुरू में 300-400 का पेट्रोल ये गैस भराते थे और पूरी वीक चलते थे। अभी 500-600 का अगर भराते हैं तब भी पूरा वीक चलते हैं। अच्छा, 22-23 का नॉर्मल एवरेज हमको मिल जाता है। अब चूँकि 12+ जाना होता है तो ट्रैफिक कम होता है तो अभी भी 22-23 का एवरेज मिल जाता है और हाईवे पर जाते हैं 25 से ऊपर का ही मिलता है। पिकअप वगैरह गाड़ी का बढ़िया है? पिकअप कुछ पता ही नहीं चलता है कब क्या है, बहुत हल्की है। अच्छा, परफॉर्मेंस बढ़िया रही है? बहुत अच्छा, तो बहुत सेटिस्फाइड। आज आप किस काम के लिए आए हैं, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? पेट्रोल पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता था, गैस पर आता नहीं था, गैस से पेट्रोल पर नहीं जाता। कभी कभी क्या होता था कि चलते चलते पेट्रोल पे चला जाता था अपने आप। आपकी गाड़ी के अंदर एक रेल सेंसर खराब हो गया था, वो आज हमने चेंज किया है और अब इसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो गाइस इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।